हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक बहुत ही बड़ी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्रूटमेंट है 1050 के अराउंड या अबाउ परमानेंट पोस्ट है। यहाँ पर एनी ग्रेजुएट्स के लिए काफी सारे पोस्ट हैं। जहां पर किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन की हुई है अगर आपने, तो आप एलिजिबल होते हैं अराउंड 400 या 400 से अबव पोस्ट के लिए। बाकी सभी पोस्ट के लिए एमबीए, आईटीआई वाले, बीटेक वाले कैंडिडेट फ्रेशर्स एलिजिबल होंगे। तो फ्रेशर सभी पोस्ट में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। वेबसाइट पर चलते हैं जहां पर नोटिफिकेशन अपडेटेड है। डाउनलोड करते हैं नोटिफिकेशन और मेन चीजों को कवर अप करते हैं। ये ग्रेजुएट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन है भारत सरकार का उपक्रम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन जारी की गई है। इस नोटिफिकेशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 24 अप्रैल 2021 से शुरू हो चुकी है। यहाँ पर काफी पोस्ट है, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए। यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए काफी सारे पोस्ट हैं जिनमें ग्रेजुएट एप्लीकेशन डाल सकेंगे एंड एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट्स एप्लीकेशन डाल सकेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये रिक्रूटमेंट है। अब पहले जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर है इनके। इट इज द मोस्ट एम्बिशियस एंड वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सेटअप टू बिल्ड हाई कैपेसिटी एंड हाई स्पीड रेल फ्राइट कॉरिडोर्स। द फर्स्ट फेज कंप्राइज ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ टू डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर स्पेनिंग लुधियाना डेली कोलकाता एंड मुंबई डेली। तो ये ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डीएफसी यहां पर बन रही है, बनने जा रही है। तो इसके लिए इसके जो एट प्रेजेंट कॉरपोरेट ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है, अंबाला, मेरठ, टुंडला, आगरा, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, वडोदरा, अजमेर, जयपुर एंड नोएडा। इतने जगहों पे कॉरपोरेट ऑफिस है और इसके जो वर्क है वो ऑल ओवर इंडिया में चलती रहती है क्योंकि ये रेलवे से संबंधित है। तो आगे इसकी डिटेल हम समझते हैं, काफी अच्छी नोटिफिकेशन है। जॉब लोकेशन कहीं पर भी हो सकती है, इंडिया के किसी भी लोकेशन में जहां इनकी यूनिट है या जहां इनके काम चल रहे होंगे, जहां इनके सेटअप है, वहां कहीं पर भी जॉब लोकेशन दी जा सकती है। लास्ट डेट होने वाली है 23 मई 2021 को आप लास्ट इसकी एप्लीकेशन डाल सकते हैं। एग्जामिनेशन से सिलेक्शन होने वाली है जो जून 2021 में होगी, एग्जैक्ट डेट बाद में आएगी। अब हम देख लेते हैं पहले पोस्ट कौन कौन से हैं, उसके बाद बात करेंगे सबसे पहले जिनमें ग्रेजुएट्स बिल्कुल एलिजिबल हो सकेंगे। तो पहले जूनियर मैनेजर की पोस्ट है, यहाँ पे 31 पोस्ट है आप देख सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बाद में करेंगे, पहले हम पोस्ट सारे देख लें। जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी है, 77 यहाँ पर पोस्ट है। इसके अलावा थर्ड नोटिफिकेशन है जूनियर मैनेजर मैकेनिकल, 3 पोस्ट है। और भी काफी पोस्ट है, जूनियर मैनेजर मैकेनिकल 3 पोस्ट के बाद एग्जीक्यूटिव पोस्ट शुरू होते हैं जिनके लिए 30,000 से पे स्केल स्टार्ट होती है। 30,000 की पे स्केल मींस मिनिमम आपके 50,000 के अबव सैलरी बनने वाली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की है तो काफी सारे अलाउंसेस एंड एक्स्ट्रा पर्क्स भी दिए जाते हैं जिनको मिला के सैलरी 50,000-60,000 के अराउंड जरूर बनने वाली होती है। तो एग्जीक्यूटिव है सिविल, 73 पोस्ट है यहाँ पर। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है जहां पर 42 पोस्ट है। और एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन है, 87 पोस्ट है यहां पर। हम एंड में बात करेंगे जहां पर ग्रेजुएट फ्रेशर एप्लीकेशन डाल सकेंगे, बहुत बड़े नंबर में है वो। एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी है, 237 पोस्ट है यहां पर। आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन जिनके पास 60% मार्क्स के साथ है वो यहाँ एप्लीकेशन बिल्कुल डाल सकते हैं। और एक पोस्ट है जहां ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो यहाँ पर जिनके पास 60% मार्क्स है ग्रेजुएशन में, 237 पोस्ट है, एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी, यहाँ एप्लीकेशन डाली जा सकती है। 30,000 की पे स्केल स्टार्टिंग है तो सैलरी अच्छी बनेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे अलाउंसेस दिए जाएंगे। अब आगे देखते हैं हम एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल है 3 पोस्ट। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए 25,000 रुपीज की पे स्केल है। 25,000 की पे स्केल है, इस पे अलाउंसेज मिलेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के काफी सारे अलाउंसेज होते हैं तो इसकी भी सैलरी 40,000-45,000 के ऊपर बनेगी। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल है, 135 पोस्ट है यहाँ पर।
इसके अलावा और जो पोस्ट है नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमें समझ आएगी, जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, इसमें 147 पोस्ट हैं। जूनियर एग्जीक्यूटिव सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन ये 147 हो गई, और जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी 225 पोस्ट है। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी 225 पोस्ट में यहां पर देखें, या तो आईटीआई वाले कैंडिडेट एप्लीकेशन डाल सकेंगे या फिर ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और यहां पर परसेंटेज की भी कोई इश्यू नहीं है कि ग्रेजुएशन में इतने परसेंटेज आपके होने चाहिए, सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए, मीन्स ग्रेजुएशन आपने पास की होनी चाहिए, तो ऑपरेशन एंड बीडी 225 पोस्ट के लिए आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाते हैं, और कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड से वो चेक करने होंगे। इसके अलावा जूनियर एग्जीक्यूटिव 14 पोस्ट है, और तो इतने सारे पोस्ट है, यहां पर मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से पोस्ट के लिए ग्रेजुएट एलिजिबल होंगे। एक तो जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और साथ ही साथ एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए ऑपरेशन एंड बीडी, वहां पर भी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, बस 60% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए। इसके अलावा जितने भी पोस्ट है इनके लिए या तो आईटीआई की रिक्वायरमेंट है, या फिर डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, या फिर इंजीनियरिंग की, और नहीं तो फिर एमबीए और पीजीडीएम की रिक्वायरमेंट बताई गई है। तो इस तरीके से आप पूरी इसको पीडीएफ को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। जैसे ये मुझे नजर आ रहा है जूनियर मैनेजर ऑपरेशन एंड बीडी में 77 पोस्ट है, जहां पर एमबीए मार्केटिंग, पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, पीजीडीएम मार्केटिंग, बिजनेस ऑपरेशन, कस्टमर रिलेशन, फाइनेंस वाले 60% मार्क्स के साथ में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकेंगे, एलिजिबल होंगे। अब बाकी की डिटेल हम कवर अप कर लेते हैं कि फी कितनी होने वाली है। हाँ, यहाँ पर एग्जामिनेशन होने वाली है बिल्कुल, और एज ग्रुप कितना है, क्या एज की एज क्राइटेरिया, जूनियर मैनेजर एग्जीक्यूटिव, जूनियर एग्जीक्यूटिव, तो ये एज लिमिट है जिसमें रिलैक्सेशन दी जाएगी। एज जब आप कैलकुलेट करें तो 1 जनवरी 2021 की एज आपकी होनी चाहिए। जूनियर मैनेजर के लिए 18 to 27 ईयर्स, एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 18 to 30। इसके बाद एज रिलैक्सेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से एसटी एससी ओबीसी वगैरह को दी जाएंगी। आगे अगर बात करते हैं हम, 25 पेजेस की ये पीडीएफ है, पेज नंबर 8 पर आप चले आते हैं तो पर्क्स एंड अलाउंसेस, एचआरए दी जाएगी या लीज्ड एकोमोडेशन दी जाएगी, लिबरल कंपनी मेडिकल फैसिलिटी दी जाएगी, एलटीसी दी जाएगी, बास्केट ऑफ अलाउंसेस दी जाएंगे विद कैफेटेरिया अप्रोच एंड फ्रिंज बेनिफिट्स, सुपरनॉशन बेनिफिट स्कीम्स आर ऑल्सो इन द ऑफिंग। तो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनी वेयर ऑन DFCCIL प्रोजेक्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑफिसर्स, तो जहां कहीं भी उसके ऑफिसर्स हैं, DFCCIL के प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर जहां कहीं भी उसकी यूनिट काम कर रही है या ऑफिसर्स है, वहां पर आपको कहीं पर भी प्लेसमेंट ऑल ओवर इंडिया दी जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या क्या सिलेक्शन की क्राइटेरिया, तो पेज नंबर पॉइंट 8 पर आप देखें, पेज नंबर 8 में यहां पर आपको नजर आएगा सीबीटी सभी के लिए, सभी पोस्ट के लिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाली है। फिर एक पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बीडी जिसमें ग्रेजुएट एलिजिबल हैं, उसके लिए एक और टेस्ट होगी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये जो ग्रेजुएट वाली एग्जीक्यूटिव वाली पोस्ट है इसके लिए दो टेस्ट देनी होगी आपको। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी पोस्ट के लिए होगी, इंटरव्यू कुछ पोस्ट के लिए, कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट मेडिकल टेस्ट की जाएगी, और मेडिकल फिटनेस चेक करने के बाद फिर ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे, कितने मार्क्स के होंगे, सारी चीजें यहां पर दी हुई। हम एक बार एप्लीकेशन फी देख लेते हैं, और ये आप कहां से, एग्जामिनेशन सेंटर पॉइंट नंबर 13 पेज नंबर 10 पर आप देख सकेंगे कहां कहां पे एग्जाम सेंटर होने वाले हैं। तो पेज नंबर 10 पर 10 पेज नंबर पर आप चले आए, यहां पर आप देख सकेंगे सीबीटी में भी हेल्ड एट पट्टा, अहमदाबाद, गुवाहाटी, वाराणसी, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, विशाखापट्टनम, रांची, रायपुर, पुणे, तिरुवनंतपुरम, चंडीगढ़, मोहाली एटसेट्रा। तो इन सारे जॉब लोकेशन में कहीं पर भी आपकी सॉरी इन सारी जगह पर कहीं पर भी एग्जाम के सेंटर्स रखे जाएंगे। एग्जामिनेशन के लिए जो फी है वो आपके सामने है, एग्जामिनेशन फी जूनियर मैनेजर के लिए अनरिजर्व्ड ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 रुपीज है, एग्जीक्यूटिव के लिए 900 रुपीज फी है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 700 फी है। या पॉइंट बी में आप देख सकते हैं
SC ST PWD एक सर्विस मैन कैंडिडेट के लिए नो फी, नो एग्जामिनेशन फी। तो एग्जामिनेशन फी नहीं रहेगी, बाकी अगर कुछ GST कुछ और अगर चार्जेस रहेंगे तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये PDF आपको DFFCIL की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप चले आए और यहाँ पर ही आपको मिलेगी। नीचे जब आप स्क्रोल करेंगे तो लेटेस्ट न्यूज में जो फर्स्ट नोटिफिकेशन है, ये परमानेंट पोस्ट है, इसको क्लिक करें, सारी डिटेल पढ़ें, एलिजिबिलिटी को अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद एलिजिबल होने के केस में जरूर एप्लीकेशन डालें। आप सभी को बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।